सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पाकी विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार मुमताज खान ने अपने भारी संख्या में समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में जाकर करीब दर्जन भर गांव का दौरा किया। इस क्रम में लेस्लीगंज प्रखंड के पुरना टोला वासियों ने जोरदार तरीके से प्रत्याशी का स्वागत किया। श्री खान ने लोगों से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु भारी समर्थन देने की अपील की। प्रखंड के बहता, जोगिया, पोखरी, मानत गोरिया, लोहड़ी, नौरंगा, कर्मा, धावाडी, रेवारातू, चापुर, कसमाल सहित कई गांव का भ्रमण कर उन्होंने मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया। इस क्रम में प्रेस से मुखातिब होकर प्रत्याशी मुमताज खान ने कहा कि हर वर्ग का उन्हें प्यार और स्नेह मिल रहा है, जिसे देख वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। कहा चिकनी चुपड़ी भाषणबाजी में उन्हें विश्वास नहीं, बल्कि जीतने पर धरातल पर विकास कार्य उतार हुए जनता का भरोसा कायम रखेंगे। जिनका इंतकाल हो गया, मैं उनके उम्रा के जाने के मौके पर उनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनके उम्रा को जरूर कबूल करेंगे। चूंकि इरादा से अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर मिलती है, नियत पर दार मदार है, और मैं दुआ करता हूँ कि उनके घर के तमाम अहबाब को अल्लाह सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ कोई लंबी चौड़ी भाषण देने का वक्त नहीं है, जो बातें हैं आपके सामने रख दी गई, भाइयों के जरिए बताया गया। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ सभी तरह के लोग, हिंदू मुस्लिम, चाहे नरेश भाई केकड़गढ़ से चलकर आए हैं या निरंजन यादव जी केकड़गढ़ पंचायत द्वारिका से रखे सरफराज भाई है तो आए हैं। नॉमिनेशन होने के बाद कि कांग्रेस को हराने के लिए ये कोशिश किया जा रहा है, कांग्रेस को हराएगा बीजेपी को जिताएगा। अब कहा जा रहा है कि मुमताज तीसरा रास्ता है, त्रिकोणीय बाकी विधानसभा में बन गया है। मैं बता रहा हूँ, वहां में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं तो बड़ा खुशी से मोहब्बत से मिल रहे हैं लोग, हर जाति के लोग हमको दुआएं देने के लिए रात में खड़े हैं 10-10 बजे रात तक। कल हम पाकी के इलाके में जहां जहां खाप सरौना बजदोहर के इलाके में घूमे तो हमको लगा और हौसला बढ़ता है कि कितनी मोहब्बत है। हिंदुस्तान से चलकर देखिए, प्रेस वाले भी भाई आए हैं, मनोज बाबू स्वागत है आपके, उनके पूरे टीम को। यहाँ के लोगों ने जो अभी हमको स्वागत किया, इसी तरह से हर जगह स्वागत हो रहा है, फूल माला से हमारी स्वागत की जा रही है। मैं निर्दलीय हूँ लेकिन दल से बड़ा हमारे साथ हजूम और जमात चल रहा है। मेरी माँ बहनों को भी आवाज मेरी जा रही होगी, मैं मुमताज बोल रहा हूँ, मेरे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब कांग्रेस पार्टी को अगर हम वोट देते हैं, आपका वोट कांग्रेस पार्टी में जाता है तो पिछली बार भी किया था, उम्मीदवार कोई दूसरा नहीं, यही उम्मीदवार था। कांग्रेस पार्टी से जीतने के बाद भाजपा में चला गया और जब तक विधायक रहा भाजपा के गोद में रहा और भाजपा के साथ रहा, और आपका दिया हुआ वोट राज्यसभा में भाजपा को ही दे दिया, इसलिए इनकी नियत में कोई अब हम लोगों को शक सुना नहीं रहा कि ये कितने ईमानदार हैं। इनको कुछ पैसे मिलते हैं राज्यसभा में, भाजपा में चले जाते हैं और वोट मांगते हैं। ईमान की बात कर, मेरी बहन मेरे भाई की इज्जत कैसे बचेगी या कैसे बचा या चला गया, ये बताने हमें आए हैं, आपको समझना है। मैं आपको बता दूं, हमको जितने लोग फुटोला और सेहरा के रहने वाले जानते हैं, मिलते जुलते हैं, बहुत लोग नहीं मिले होंगे तो उनको आगे मौका मिलेगा। जितने लोग जानते हैं वो जानते हैं कि हम लोगों का कितना इज्जत करते हैं, अपने से छोटे को कितना प्यार करते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, किसी जाति धर्म के लोग, मेरे लिए कोई वजह नहीं, वो सब इंसान, सब इंसान को हम इंसान समझते हैं। हमारे अंदर ये पुरानी आदत है, मैं इस पुरानी आदत के मुताबिक अपने तमाम बड़ों को इज्जत करूंगा।
अपने से छोटों को प्यार करूंगा, जो इस विधानसभा में ऐसा पहले नहीं हुआ वो पहली बार होगा।